हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, लेकिन उससे पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डीआरवीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश का एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसके वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करने हैं आज। इन क्वेश्चन में जो फॉर्मूले लगेंगे, मैंने कल इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले नहीं बताए थे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कुछ आधे फॉर्मूले बताए थे और उनके बेस जो क्वेश्चन थे फर्स्ट 6 वो हमने किए थे। तो 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। कोई प्लेन है उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? ये प्लेन है आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस को ये ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे और जेड एक्सिस को सी पॉइंट पे। तो इस प्लेन की इक्वेशन आपकी होगी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1, वेयर ए बी सी आर द इंटरसेप्ट ऑन द कोरस्पॉन्डिंग एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। एक प्लेन मान लीजिए आपका है ये, दूसरा प्लेन है आपका ये प्लेन, मैं इसे ऐसे शो कर रहा हूं। ये दो प्लेन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पे। यहां से आपका कोई प्लेन पास करता है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? मान लीजिए पाई वन है, ये पाई टू है, जहां पे दो प्लेन आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो थर्ड प्लेन पास करेगा उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। मान लीजिए फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है आपकी r इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू एन वन डी वन, सेकेंड है सेकेंड प्लेन की इक्वेशन है r एन वन टू इज इक्वल टू डी टू। मान लीजिए प्लेन पाई वन है, ये प्लेन पाई टू, और जो थर्ड प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है मान लीजिए पाई थ्री है, तो पाई थ्री की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी? r इंटू एन वन प्लस लैमडा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैमडा डी टू। क्लियर है? अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी बताना है इस इक्वेशन को। तो कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगी आपकी। मान लीजिए प्लेन है ए वन एक्स, ए टू वाई, सी वन जेड माइनस डी प्लस लैम्डा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू
जेड माइनस वन, ये इक्वेशन होंगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। टू लाइंस एक प्लेन में लाई करती हैं या नहीं, वे कोप्लेनर हैं या नहीं, मान लीजिए टू लाइंस है आपकी कोप्लेनर ऑफ टू लाइन, दो लाइन है एक ही प्लेन के अंदर आपकी लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लाइन है एरो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या कंडीशंस है, मान लीजिए फर्स्ट है आपकी लाइन आरओ इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, सेकेंड लाइन है आपकी ए टू प्लस म्यू बी टू। तो कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है, आप चेक करेंगे ए टू माइनस ए वन डॉट प्रोडक्ट विद बी वन क्रॉस बी टू, और यदि ये जीरो के इक्वल आता है तो इसका मतलब जो लाइंस हैं वे एक प्लेन में लाई करती हैं, कोप्लेनर हैं। थर्ड है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंगल्स, ये किस एंगल पे आप कट कर रहे हैं तो उसके बीच का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है आपकी एन वन इक्वल टू डी वन, सेकेंड की है आर इंटू एन टू इक्वल टू डी टू। तो एंगल होगा मान लीजिए थीटा है तो उसका हम कोसाइन निकालेंगे एन वन क्रॉस एन टू डॉट सॉरी, और इसका मॉडुलस। क्लियर, तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने पहले भी किया था एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालने के लिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, कोई प्लेन है और इसकी इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। प्लेन की मान लीजिए इक्वेशन है आपकी आर इंटू एन इज इक्वल टू डी। अब ये पॉइंट है जिससे आपको डिस्टेंस निकालनी, मान लीजिए इसका पोजिशन वेक्टर कितना है ए, तो डिस्टेंस होगी आपकी आर इंटू ए, एन की जगह ए आ जाएगा, माइनस डी को साइड ले जाएंगे अपॉन में एन कैप, ये डिस्टेंस होगा। और यदि कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलेगा, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, ए पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज, और इस प्लेन की इक्वेशन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या फॉर्मूला रहेगा आपका डिस्टेंस निकालने का, सिंपली एक्स वाई और जेड की जगह इस इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस में डी अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन प्लेन। तो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम बाकी के क्वेश्चंस करने में इस एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। Find the intercept
cut off by the plane 2h plus y minus z is equal to 5. वो पूछता है कि इस प्लेन ने क्या इंटरसेप्ट बनाए हैं x एक्सिस पे, y एक्सिस पे एंड z एक्सिस पे. मान लीजिए ये प्लेन है आपका, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, जो हमने आज के वीडियो में सबसे पहले किया था. ये ए पॉइंट होता है हमारा ए जीरो जीरो, ये एक्स एक्सिस जीरो बी जीरो वाई एक्सिस पे पॉइंट, जीरो जीरो सी जेड एक्सिस. तो हम इस प्लेन को इस फॉर्म में बनाए कोशिश करेंगे. कैसे बनाएंगे, इधर 5 है, हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड पे 1, तो 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 2 अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. ये तो हो गया. साथ में एक्स वाई और जेड ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए और इनके कोफिशियंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. यहां एक्स का कोफिशियंट कितना है 2, तो 2 को हम क्या करते हैं नीचे ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/2, ऐसे ना 2 पर जाके वापस 2x हो जाएगा, तो हम 2 को हटा के नीचे लिखेंगे प्लस में y बाय 5, यहाँ माइनस है तो इसे z ऊपर लिखेंगे प्लस z, और माइनस साइन को माइनस 5 के साथ लगाएंगे. तो आप कंपेयर कीजिए इसको इसके साथ जो ये हमारी इक्वेशन थी, तो यहाँ पे a कितना है, a है हमारा 5/2, b है आपका 5 और c कितना आया है माइनस 5, और ये आपके इंटरसेप्ट हैं x एक्सिस पे, y एक्सिस पे एंड z एक्सिस पे. ये था क्वेश्चन नंबर 7. अब है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद वर्ट इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड इज पैरेलल टू जेड ओ एक्स. वो कहता है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 3, ठीक है, और जेड ओ एक्स के प्लेन के पैरेलल है, एनी प्लेन विच इज पैरेलल टू जेड ओ एक्स, मतलब एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा, उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बी फॉर्म में, ठीक है ना. मान लीजिए कोई जेड y और z के पैरेलल है, तो उसकी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a. जेड x के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बी, और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के मान लीजिए ये है आपका, मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, ठीक है. ये वाला प्लेन कौन सा है आपका, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन. इसके पैरेलल कहां पे होगा प्लेन आपका, ये वाला प्लेन होगा जो इसके पैरेलल होगा, जैसे आपका फर्श है रूम का, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना. तो इसके पैरेलल कौन सा होगा, फर्श के पैरेलल छत होगी. तो छत की कंडीशन क्या होगी, छत की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, छत कितनी हाइट पे है वो क्या चीज बताएगी, जेड एक्सिस बताएगी ना, क्योंकि एक्स आपकी लेंथ है, वाई ब्रेथ है और जेड है आपकी हाइट. तो छत कितने ऊपर है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे छत के, जेड इज इक्वल टू मान लो 10 फुट पे है तो जेड इज इक्वल टू 10, ठीक है ना. तो इस तरीके से कोई भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो आपका प्लेन होगा वो रिप्रेजेंट होगा जेड इज इक्वल टू सी की फॉर्म में. इसी तरीके से जेड एक्स वाला जो प्लेन है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, वाई इज इक्वल टू बी की फॉर्म में. अब उसने कहा है कि जो प्लेन है वो इंटरसेप्ट करता है वाई एक्सिस को एट पॉइंट 3 पॉइंट पे कट करता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लेन की, बी क्या चीज दी हुई है 3, दिस इज द इक्वेशन. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दो प्लेन्स गिवन है आपके, फर्स्ट प्लेन है
3x minus y plus 2z minus 4. सेकेंड प्लेन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू. हमें इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है. तो प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ वन एंड टू. क्या इक्वेशन बताई थी मैंने, कैसे लिखेंगे, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा इनटू में सेकंड प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2. क्लियर है? तो ये इक्वेशन आई है आपकी, लेकिन इसमें लैम्डा का यूज हुआ है. हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसने आगे एक कंडीशन दी हुई है कि ये जो प्लेन आया है ये पास करता है 2 2 1 से. तो पास कर रहा है 2 2 1 से, तो इट विल सेटिस्फाई, 2 2 1 विल सेटिस्फाई या विल लाई ऑन प्लेन थर्ड. इस प्लेन पे लाई करेगा. यहां वैल्यू रख दें x की जगह 2, y की जगह भी 2 और z की जगह 1. यहां से अब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये हो गया 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, 2 से 2 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये कितना हो गया 6 माइनस 2 4, 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 2 बाय 3. इस वैल्यू को वापस पुट कर दें इक्वेशन 3 में. पुट करिए लैम्डा की जगह वैल्यू 3x प्लस माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4. क्या वैल्यू है यहां से, माइनस 2 बाय 3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एलसीएम ले लें तो 3 की मल्टीप्लाई से हो जाएगी 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस में 4 इज इक्वल टू 0. 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो गई है. 9x माइनस 2x 7x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5y 6 माइनस 2 4z माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये आपकी आई है प्लेन की इक्वेशन 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स. उसने कहा है एक प्लेन तो ये है, जैसे हमने नाइन्थ क्वेश्चन किया वैसे ही है, लेकिन नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन में, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन थी, इसमें वेक्टर फॉर्म में है. इक्वल टू 7 दिया हुआ है, मैं 7 को इस साइड चलो यहीं रखें. दिस इज फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन है r इंटू 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 और इट पास थ्रू 2 1 3. चलो इसे बाद में देखेंगे. ये क्या है आपका n1 वेक्टर, ये है n2. This is d1 and this is d2. So, equation of plane
पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ वन एंड टू। वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन होगी प्लेन की जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा? आर एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। वैल्यू पुट करें, एन वन है ये आपका टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के प्लस लैम्डा, एन टू आपका ये टू आई प्लस फाइव जे प्लस थ्री के, डी वन है आपका सेवन और डी टू है नाइन प्लस लैम्डा नाइन लैम्डा। क्लियर? थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आई वाली टर्म्स ब्रैकेट के अंदर दो हैं, तो आप इसमें से आई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? टू प्लस यहां से टू बचेगा और यहां से टू इंटू लैम्डा टू लैम्डा। अब जे वाले टर्म्स लें, एक टू जे है एक फाइव जे, तो जे कॉमन लिया ये तो टू बचा और यहां से फाइव, लेकिन फाइव के साथ लैम्डा भी है मल्टीपल में, टू प्लस फाइव लैम्डा प्लस के, के के साथ भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री लैम्डा। इक्वल टू सेवन प्लस नाइन लैम्डा। आगे वो क्या कहता है? इट पासिस थ्रू टू वन थ्री, तो टू वन थ्री से पास कर रहा है, तो टू वन थ्री जनरल पॉइंट है, हम आर की जगह रखेंगे। इट पासिस थ्रू, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है आपकी? थ्री। थ्री पासिस थ्रू टू वन एंड थ्री, तो हम आर की जगह ये वेक्टर रखेंगे टू आई माइनस प्लस जे प्लस में थ्री के, ठीक है ना? क्योंकि आर आपका क्या होता है? वेक्टर जनरल वेक्टर होता है जो प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करता है, रिप्रेजेंट करता है। टू प्लस टू लैम्डा आई प्लस जे टू प्लस फाइव लैम्डा प्लस के माइनस थ्री प्लस थ्री लैम्डा सेवन प्लस नाइन लैम्डा। मल्टीप्लाई करें आई वाले टर्म की आई के साथ मल्टीप्लाई, तो टू की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, टू टू या फोर प्लस फोर लैम्डा, जे का कोफिशियंट वन है, वन की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी टू प्लस फाइव लैम्डा, थ्री की मल्टीप्लाई माइनस नाइन प्लस नाइन लैम्डा इज इक्वल टू सेवन प्लस नाइन लैम्डा, नाइन लैम्डा से नाइन लैम्डा कैंसल, फोर प्लस फाइव नाइन लैम्डा, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस नाइन कितना हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री को उस साइड ले जाएं तो सेवन प्लस थ्री हो जाएगा। देखे ना, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस नाइन क्या होगा माइनस थ्री, माइनस थ्री उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? टेन बाय नाइन। इस वैल्यू को वापिस पुट कर दें कहां? इक्वेशन थर्ड में। Put lambda is equal to 10 by 9 in third equation. R vector 2 lambda. तो lambda की जगह आप 10 by 9 रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 20 by 9 I plus J 2 10 10 into 5 50 by 9 plus के कितना होगा माइनस थ्री, टेन की थ्री से मल्टीप्लाई थर्टी बाई नाइन, नाइनटी बाई नाइन, थर्टी एट बाई नाइन आई
68/9 J, 3/9 K, 153/9. जब एलसीएम लेंगे इधर 9 आएगा एलसीएम में, इस 9 से 9 ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन जो प्लैंक की बचेगी आपकी बचेगी ₹153। देखिए आंसर कितना है इसका, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 10th, एक्सरसाइज 11.3। तो यही इसका आंसर है, R डॉट 38i68j3k इज इक्वल टू 153। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स माइनस वाई प्लस जेड। वो कहते हैं एक प्लेन है जो पास कर रहा है टू गिवन प्लेन से, एक इक्वेशन है इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मैं इसे माइनस 1 लिख लेता हूं। फर्स्ट प्लेन है, सेकेंड प्लेन है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 है, 5 को इस साइड लिख लें। तो सबसे पहले तो वही निकालिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, जैसे हमने नाइन्थ क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट प्लैंक की इक्वेशन प्लस में लैम्डा इंटू में सेकेंड प्लैंक की इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू x वाले टर्म्स इकट्ठे ले लीजिए, x कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा 1, यहां से 2 लैम्डा, y वाले टर्म्स यहां से 1 बचा आपका, यहां से 3 लैम्डा, z वाले टर्म्स 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस में ये बचा माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आई है, लेकिन उसने कहा है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर है, एक और प्लेन दिया हुआ है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज इसके मैं यहां लिख, डीआर ऑफ 3 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा, यही होंगे ना डायरेक्शन रेशियोज, दिस वन एंड दिस वन। अब 3 इज परपेंडिकुलर टू कौन से प्लेन पे परपेंडिकुलर है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इस प्लेन के ऊपर ये प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 4, 1, -1 एंड 1। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, यदि परपेंडिकुलर है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दें, a1 की जगह 1 प्लस 2 लैम्डा, a2 की जगह 1, b1 1 प्लस 3 लैम्डा, b2 की जगह -1, c1 की जगह 1 प्लस 4 लैम्डा, c2 की जगह 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा प्लस 1 प्लस में 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसल, क्या बचा 1, 4 2 6 6 में से 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू -1/3। ये लैम्डा की वैल्यू आई है,
तो किसी क्वेश्चन में पुट कर दें, थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या आ जाएगी, जो प्लेन आपको चाहिए उसकी इक्वेशन आ जाएगी। पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 इन थर्ड, -1 है तो -2/3 हो जाएगा, 1 -3/3 प्लस जेड, 1 -4/3 -1 प्लस में 5/3। यहां माइनस ऑलरेडी पहले से है और माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 गया 1 बचेगा और 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 1/3x प्लस 0y माइनस 1/3z प्लस 2/3। y तो खत्म ही हो जाएगा, x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आई। आपने एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आएगा और 3 को साइड ले जाइए। क्या आंसर है इसका, 11th क्वेश्चन का आपका, x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ट्वेल्थ में है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर, एंगल निकालना है आपको, वेक्टर इक्वेशन है आपकी 2i + 2j - 3k इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है प्लेन की आर डॉट 3i - 3j प्लस में 5k इज इक्वल टू 3। ये तो हो गया आपका n1 वेक्टर, ये हो गया आपका n2। क्या फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। n1 2i डॉट है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं कर रहा हूं इसकी 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 × 3 कितना हो गया 6। डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई की मल्टीप्लाई आई वाले टर्म के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे वाले टर्म के साथ, 2 × -3 - 6 - 3 + 5 ये मल्टीप्लाई होगी -15 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2i² 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 या 9 + 25, 6 से 6 कैंसल आउट, 17 25 नीचे मल्टीप्लाई कर लें, मोडुलस है तो माइनस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 3 = कितना हो जाएगा, कोस ही साइड जाएगा, कोस इनवर्स 15/√7/30। सिर्फ फॉर्मूला लगाया बाकी कैलकुलेशन है, सॉरी कोस इनवर्स 15/√7/31। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स, दो दो प्लेन्स गिवन है, चार पार्ट पांच पार्ट है इसमें 13th क्वेश्चन में, उन प्लेन्स के बीच का एंगल उसने कहा है, पहले उस चेक कीजिए कि क्या वे परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं प्लेन्स, और यदि ना तो वे पैरेलल हैं और या परपेंडिकुलर हैं तो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला है आपका
7h plus 5y plus 6z plus में 30 is equal to 0. ये फर्स्ट प्लेन है. सेकंड प्लेन क्या है, 3x minus y minus 10z plus 4 is equal to 0. क्लियर. फर्स्ट प्लेन से डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 7 b1 5 c1 6. सेकंड से a2 कितना आएगा, 3 b2 minus 1 c2 minus 10. सबसे पहले तो परपेंडिकुलर है या नहीं चेक करते हैं. तो क्या होना चाहिए, a1 a2 plus b1 b2 प्लस सी वन सी टू ये निकालते हैं. और ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल. जीरो आता है तो परपेंडिकुलर है, जीरो नहीं आता तो परपेंडिकुलर नहीं है. ए वन ए टू की मल्टीप्लाई सेवन इंटू थ्री, ए वन ए टू की मल्टीप्लाई कितना होगा, 21. बी वन बी टू की मल्टीप्लाई 5 इंटू माइनस वन माइनस 5 माइनस 10 इंटू 6 माइनस 60 कितना आया, माइनस 65 माइनस 44. और ये तो जीरो के इक्वल नहीं है, प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर तो ये प्लेन्स नहीं है. अब चेक करते हैं पैरेलल. पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, ए वन बाई ए टू निकालते हैं, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, ये तीनों इक्वल होने चाहिए. तो ए वन बाई ए टू कितना है, 7 बाई थ्री. बी वन बाई बी टू 5 बाय माइनस 1 और C1 वन बाय सी टू 6 बाय माइनस 10. तो ये 7 बाय 3 5 बाय सारी अलग अलग हैं. तो A1 वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू. तो ये पैरेलल भी नहीं है, प्लीज, ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है. तो उसने कहा है यदि दोनों ही नहीं है तो फाइंड द एंगल. तो एंगल निकालना है. तो एंगल कैसे निकलता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. ए वन ए टू कितना रहेगा, 7 इंटू थ्री 21. ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो मैंने निकाली है यहाँ पे, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू कितना आया है, माइनस 44. इसे तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ये निकाला है ना आपने, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, और इसे सोल्व करके कितना है, माइनस 44. तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर. ए वन का स्क्वायर 49 25 36. ए टू स्क्वायर 9 100. ऊपर मैं लिख रहा हूं सिर्फ 44. क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है, 6 5 9 20 2 110 110 110 110 110 कितना हो जाएगा, 110 44 है ये, 22 से कट कर दीजिए, 2 बाय 5 कितना आया, cos थीटा की वैल्यू आई आपकी 2 बाय 5. हमें थीटा निकालना है तो कोस को चले जाइए, कोस इनवर्स 2 बाय 5. ये है क्वेश्चन नंबर आपका 13 का ए पार्ट. बी पार्ट देखिए, 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट प्लेन है,
इसमें ए वन कितना है, टू, बी वन वन, सी वन थ्री. सेकेंड प्लेन एक्स माइनस टू वाई प्लस में फाइव इज इक्वल टू जीरो. ए वन इज इक्वल टू वन, बी टू, वाई का कोफिशियंट कितना, माइनस टू, एंड जेड नहीं है तो सी टू कितना हो गया, जीरो. सबसे पहले परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं. ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू. मल्टीप्लाई करें, टू की मल्टीप्लाई वन से टू, वन की मल्टीप्लाई माइनस टू से माइनस टू, थ्री की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो. टू माइनस टू क्या हो गया, जीरो. प्लेन्स आर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. सी पार्ट है टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. ए वन कितना रहा है टू, बी वन कितना रहा है माइनस टू, सी वन कितना रहा है फोर. अगला है थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड माइनस वन. ये फर्स्ट प्लेन था, ये है आपका सेकंड प्लेन. इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या है, टू माइनस टू एंड फोर. इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए टू थ्री, बी टू माइनस थ्री, एंड सी टू इज इक्वल टू सिक्स. तो ये तो टू बाई थ्री बन रहा है, ये भी टू बाई थ्री बन रहा है. फोर बाय सिक्स को कैंसिल आउट करेंगे टू बाय थ्री, तो ये तो पैरेलल हो जाएगा. ए वन बाय ए टू कितना है, टू बाय थ्री. बी वन बाय बी टू माइनस टू अपॉन माइनस थ्री. सी वन बाय सी टू फोर बाय सिक्स. जो पैरेलल होते हैं उनका देख के ही आइडिया हो जाता है कि पैरेलल हैं या नहीं है. प्रोपोर्शनेट सारे ही इक्वल आ रहे हैं आपके. ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू इज इक्वल टू टू बाय थ्री. तो इसका मतलब क्या है, प्लेन्स आर पैरेलल. तो थर्टींथ का ये सी पार्ट है. डी और ई पार्ट आप अपने आप ट्राई कीजिए, सिमिलर हैं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का. इन द फॉलोइंग केसेस, चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, फोर पार्ट्स हैं. फाइंड द डिस्टेंस ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग प्लेन. एक प्लेन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालनी है उन दोनों के बीच की. पॉइंट है फर्स्ट में आपका जीरो जीरो एंड जीरो. प्लेन की इक्वेशन है आपकी थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेल्व जेड इक्वल टू थ्री है. मैं थ्री को इस साइड ले जाता हूँ, इक्वल टू. देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि प्लेन की इक्वेशन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है. पॉइंट है आपका एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, और उसकी इस प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे. तो आपको क्या करना है, डी अंदर भी है, चलो कैपिटल डी ले लीजिए. एक्स वाई और जेड की जगह क्या रखना है आपको, एक्स वन वाई वन एंड जेड वन प्लस में डी, डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी. तो इसमें भी यही रहेगा आपका, एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, जीरो, क्योंकि ये आपके x1 एंड y1 एंड z1 है. तो x की जगह आपने क्या रखा, 3 0, y की जगह भी 0 और z की जगह भी 0, माइनस में
थ्री अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये प्लैंक की इक्वेशन है ना। तो थ्री का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया, ये तो जीरो हो गए, ऊपर से माइनस 3, 16 9 25, 169, 169 का स्क्वायर रूट 13, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, मॉडुलस डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, 3/13 पॉजिटिव लेनी है आपको, तो इसका आंसर यही है, ठीक है ना। इसके बाद है सेकंड पार्ट, बी पार्ट देखिए इसका, पॉइंट है आपका बी पार्ट में 3-2 1, प्लैंक इक्वेशन आपकी 2x-y + 2z + 3 = 0। तो ये तो है आपके x1 y1 and z1, ये है 2 आपका a, माइनस 1 कितना है b = -1, और 2 क्या है c, तो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, x की जगह क्या पुट कर दें 3, इस इक्वेशन में आपको x y z की वैल्यू ये पुट करनी है, 2 × 3, y की जगह -2 रखें, z की जगह 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये ना a की वैल्यू कितनी है, ये a की वैल्यू है, तो a का स्क्वायर कितना प्लस में b, b की वैल्यू कितनी है -1, y का कोफिशियंट -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस में c कितना है, z का कोफिशियंट 2 6 हो जाएगा, ये तो -2 + 2 2 का स्क्वायर 4 1 4, x - y + 2z 3 - 2 and 1, कितना आया डिस्टेंस 10/3, देखते हैं आंसर इसका 14th का बी पार्ट, 13/3 बोल रहा है ये, फोर्टींथ का बी पार्ट ही है ना, ये कहां मिस्टेक हुई है, पॉइंट्स हैं आपके 3-2 and 1, इक्वेशन है 2x - y + 2z + 3। अच्छा ये 3 भी तो था, ये 3 कहां गया, ये 3 हमने छोड़ दिया, प्लस में 3, डी तो लेना ही लेना है ना, डी छोड़ना नहीं है आपके फॉर्मूले में था, तो कितना हो गया 10 + 3 13 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है 13/3। तो ए और बी पार्ट मैंने करा दिए, इसके सी और डी पार्ट आप सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, अपने आप ट्राई कीजिए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आपकी 11.3। थैंक यू।